Let's start with question number two here. It says Kamla borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? 2 years and 4 months उन्होंने बोला है हमें. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें? इट इज गिवन एज 26,400. रेट कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है. और यहाँ पे टाइम पीरियड आपको कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स एंड 4 मंथ. तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि इस 4 मंथ्स को हम ईयर में कैसे चेंज कर सकते हैं. क्योंकि हमारा ये जो 4 मंथ्स वाली कैलकुलेशन है ना, ये किसके थ्रू होगी? सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू होगी. क्योंकि 4 मंथ्स को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 4 बाय 12. और 4 बाय 12 आपका कितना हो जाएगा? 1 बाय 3 ईयर्स. सो 2 ईयर्स की कैलकुलेशन तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आराम से हो जाएगी, 1 बाय 3 ईयर्स की तो नहीं हो सकती ना. सो इट विल बी बाय सिंपल इंटरेस्ट. अब विल बी कैलकुलेटिंग अमाउंट फॉर 2 ईयर्स. तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 रेज टू पावर एंड प्रिंसिपल कितना है? 26,400. 1 एज इट इज, आर कितना है आपके पास? 15. 100 एज इट इज, एन एन कितना आएगा? 2. सो 26,400 इंटू 15 और 100 को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? बाय टेबल ऑफ 5. 3 हो गया ये, दिस इज 20. सो 1 प्लस 3 बाय 20 का स्क्वायर. अब 26,400 हो गया, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 23/20. और स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ दो बार आएगी. अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और 2 64 वाली, 132. और 132 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 66. सो यस, इट विल बी 66 इंटू 23 इंटू 23. सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई हो गई, इट विल बी 34,914. सो दिस इज द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड फॉर 2 ईयर्स. 2 ईयर्स में इतना 34,914 हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसी वैल्यू का. क्योंकि हमारा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, जब भी आप निकालोगे ना, तो आपका अमाउंट क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे फॉर 4 मंथ्स. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, प्रिंसिपल विल बी इक्विवेलेंट टू 34,940. What is the rate given to you? It will be as it is, which is 15%. Or time kitna diya hua aapko? It is given as 1 by 3. Ab simple interest ka formula kya hai? P into R into T over 100. Principal is 34,940. Rate is 15. Time is 1 by 3. And dividing it with 100 or 100 or 15. 15 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हो, दिस विल गिव यू 5. 5 और 100 को कैंसिल करोगे, दिस विल गिव यू 20. सो 34914 ओवर 20 विल गिव यू 1745.70. सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट यू विल गेट. अब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? एक तो हमने पहली कैलकुलेशन की कि 34914 होगा, दूसरा हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें बढ़ के 1747.70. Now what you have to do to find the total amount? Adding both of them, 34914 plus 1745.70. Adding both of them will give you 36,659.70. So that's the answer for the second one.